नमस्कार विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग के पाठ अदम्य जीवन के संदर्भ में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और इस रिपोर्टाज पर हम संपूर्ण चर्चाएं पूरी कर चुके हैं। केवल जो प्रश्नोत्तर वाला भाग है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सब प्रश्नों को आज यहाँ पर हम देखेंगे। सभी प्रश्न लगभग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में प्रश्नों में आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं कि रांगेय राघव का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर होगा, रांगेय राघव का पूरा नाम या मूल नाम है तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य। दूसरा प्रश्न है, रांगेय राघव का परिवार मूल रूप में कहाँ का रहने वाला था? तो इसका उत्तर होगा, इनका परिवार मूल रूप से तिरुपति आंध्र प्रदेश का निवासी था, यानी कि रांगेय राघव हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी नहीं थे, हिंदी तर प्रदेश के निवासी थे। अगला प्रश्न है, रांगेय राघव का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा, रांगेय राघव का जन्म राजस्थान के कस्बे बरौनी, जिसे बेल भी कहा जाता है, में 17 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, रांगेय राघव हिंदी में किस कालखंड के लेखक हैं या कि गद्यकार हैं? तो इसका उत्तर होगा, रांगेय राघव उत्तर प्रेमचंद काल के विशिष्ट प्रगतिशील लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं, यानी कि रांगेय राघव प्रेम हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद के या कि प्रेमचंदोत्तर काल के साहित्यकार हैं, लेखक हैं। रांगेय राघव ने अपना शोध कार्य किस विषय पर तथा किसके निर्देशन में पूरा किया था? तो उत्तर होगा, भारतीय मध्ययुग के संधिकाल का अध्ययन, गोरखनाथ और उनका युग विषय पर उन्होंने अपना शोध कार्य किया और ये शोध कार्य प्रोफेसर हरि हरनाथ टंडन के निर्देशन में पूरा किया था। रांगेय राघव का पहला उपन्यास कौन सा था? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इनका जो पहला उपन्यास है, एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1946 में प्रकाशित हुआ था और नाम है घरोंदा। उपन्यास रांगेय राघव का पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रांगेय राघव द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना तूफानों के बीच किस विधा से संबंधित है? तो उत्तर होगा, रिपोर्टाज, क्योंकि इस रिपोर्टाज संग्रह में रांगेय राघव ने अपने रिपोर्टाजों को, विशेष करके जो बंगाल की यात्रा उन्होंने की थी, अकालग्रस्त बंगाल की जो यात्रा की थी और उसमें जो अपने अनुभव रिपोर्टाज शैली में व्यक्त किए, अंकित किए, उन्हीं का ये संग्रह है तूफानों के बीच। और हमारे पाठ्यक्रम में जो अदम्य जीवन रिपोर्टाज है वह भी इसी पुस्तक में संकलित है या उसी से लिया गया है। रांगेय राघव के रिपोर्टाज तूफानों के बीच में किसका वर्णन है? तो उत्तर होगा, बंगाल के अकाल की विभीषिका का, उसी पर आधारित है, अकाल की विभीषिका को इस संग्रह के रिपोर्टाजों में दर्शाया गया है। आगे देखिए, हिंदी के किस साहित्यकार के लिए कहा जाता है कि जितने समय में कोई पुस्तक को पढ़ेगा उतने में वे लिख सकते थे? इस प्रकार से के हिंदी में साहित्यकार है, अद्भुत साहित्यकार है, जिसे हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो उत्तर होगा, रांगेय राघव ऐसे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, सृजनधर्मी रचनाकार थे कि किसी भी रचना को
कोई पाठक जितनी देर में पढ़ता है, जितने समय में पढ़ता है, उतने समय में वो एक रचना को लिख देते थे, और इसीलिए रांगी राघव मात्र 39 वर्ष की आयु ही प्राप्त कर पाए। इतना होते हुए भी उन्होंने प्रभूत मात्रा में साहित्य रचना की, उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, रिपोर्टाज लिखे, कई अन्य विधाओं में भी उन्होंने लिखा है। यानी कि रांगी राघव की जो सृजन शक्ति थी, सृजन प्रतिभा थी, सृजन क्षमता थी, वह अद्भुत थी। अगला प्रश्न है, रांगी राघव का प्रसिद्ध उपन्यास मुर्दों का टीला किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो है उससे संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के का जो प्रमुख केंद्र है मोहनजोदड़ो, उस पर आधारित है काल्पनिक उपन्यास है। विषाद मठ किसकी तथा किस विधा की रचना है? तो उत्तर होगा रांगी राघव द्वारा रचित यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है, एक औपन्यासिक कृति है, अर्थात उपन्यास विधा की रचना है और लेखक है रांगी राघव। क्योंकि इनसे पहले एक उपन्यास हिंदी में जो कि आनंद मठ नाम से भी आया था, और उसी के समानांतर उन्होंने विषाद मठ की रचना की है, जिसका जिक्र हम रांगी राघव पर जो पहली चर्चा की थी उसमें कर चुके हैं कि उन्होंने किसके समानांतर ये रचना लिखी है। अगला प्रश्न है, रांगी राघव का प्रसिद्ध उपन्यास कब तक पुकारो की विषय वस्तु क्या है या किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा बेर एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ नटों की भी बस्ती है। तत्कालीन जरायम पेशा कर नटों की संस्कृति पर आधारित यह एक सफल आंचलिक उपन्यास है। कहने का तात्पर्य यह, पहला कि जो बेर क्षेत्र है उसके ग्रामीण जनजीवन का चित्रण है, और ख़ास करके वहाँ के जो नटों की जो बस्ती है, नटों का जो जीवन है, जो सामाजिक स्तर है उनका, सांस्कृतिक स्तर है, उस पर ये आधारित है। अगला जो प्रश्न है, रांगी राघव को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो उत्तर होगा 1961 में उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, रांगी राघव को मरणोपरांत पुरस्कार कौन सा पुरस्कार और कब प्रदान किया गया? तो उत्तर होगा रांगी राघव को मरणोपरांत 1966 में महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रांगी राघव को डालमिया पुरस्कार कब दिया गया था? तो उत्तर होगा 1954 में उन्हें डालमिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, रांगी राघव को हिंदुस्तान अकादमी द्वारा किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? तो उत्तर होगा 1947। रांगी राघव के परिवार का संबंध किस भाषा से है? क्योंकि भाषा का संबंध या भाषा का प्रश्न रांगी राघव के संदर्भ में विशेष रूप से उठाया जाता है, क्योंकि रांगी राघव हिंदी भाषी प्रदेश के रहने वाले नहीं थे, या कि उनका जो परिवार है वो अहिंदी भाषी था, और इतना होते हुए भी हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप या हिंदी के राष्ट्रभाषा के महत्व को समझते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य में साहित्य रचना की। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, रांगी राघव के परिवार का संबंध किस भाषा से था? तो उत्तर होगा तमिल भाषा से। रांगी राघव के यात्रा वृत्तांतों का नाम बताइए। उन्होंने महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लिखे, महायात्राएं जो उन्होंने की और उनको लिखा है। तो देखिए, महायात्रा गाथा अंधेरा रास्ता दो खंडों में प्रकाशित है, और दूसरा है महायात्रा गाथा रेन और चंदा दो भागों में। इसके लिए भी उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। रांगी राघव को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार कब दिया गया, किस सन में दिया गया?
तो इसका उत्तर होगा 1957 व 1959 में रांगे राघव को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, रांगे राघव द्वारा भारतीय भाषाओं में अनुदित कृतियों के नाम बताइए। रांगे राघव द्वारा भारतीय भाषाओं में अनुदित कृतियों के नाम बताइए। तो यह रांगे राघव का महत्वपूर्ण कार्य है कि उन्होंने अन्य विदेशी भाषाओं में जो साहित्य उपलब्ध था उसे हिंदी भाषियों के लिए अनुवाद करके उपलब्ध करवाया। इसमें है हेमलेट, वेनिस का सौदागर, ओथेलो, निष्फल प्रेम, परिवर्तन, तिल का ताड़, तूफान, मैकबेथ, जूलियस सीजर, 12वीं रात। ये उनके अनुदित ग्रंथ हैं, अनुदित रचनाएं हैं जो अन्य विदेशी भाषाओं का साहित्य था उनको हिंदी भाषा में अनुदित करने का सराहनीय कार्य रांगे राघव ने किया है। अगला प्रश्न है, अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया किसकी कृतियां हैं? तो इसका उत्तर होगा रांगे राघव की। अगला प्रश्न है, रांगे राघव की प्रमुख आलोचना कृतियों के नाम बताइए। रांगे राघव ने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, यात्राव्रत लिखे, रिपोर्टाज लिखी। आलोचना के क्षेत्र में भी रांगे राघव का काम कम नहीं है। उन्होंने कई आलोचना ग्रंथों का निर्माण किया है, अनुसंधान परक आलोचनाएं उन्होंने की है। तो देखिए, भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, भारतीय संत परंपरा और समाज, संगम और संघर्ष, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य कला और काव्य शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, तुलसी का कला शिल्प, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, और गोरखनाथ और उनका युग। ये रांगे राघव की महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। और इन आलोचनाओं का जो शीर्षक है, इनका जो विषय है और ये जो इनकी संख्या है, उसे देखकर ही ये पता चलता है कि रांगे राघव के अंदर जो साहित्य के प्रति जो जानकारी है, जो ज्ञान है और जो विवेचना क्षमता है वह अद्भुत थी। उन्होंने ऐसे ऐसे आलोचना ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे ऐसे आलोचना ग्रंथों का प्रणयन किया है जो अपने विषय के कदाचित पहले ग्रंथ है, मौलिक ग्रंथ है, जो आगे के समीक्षकों के लिए एक बड़ी सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। अगला प्रश्न है, रांगे राघव के जो प्रमुख उपन्यास है उनके नाम बताइए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि रांगे राघव के उपन्यासों का हिंदी साहित्य की उपन्यास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य का जो उपन्यास इतिहास है उसका उस इतिहास में रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यासों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर हमने उनके अधिकतम लगभग संपूर्ण उपन्यासों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, चीवर, प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, काका, उबाल, पराया, देवकी का बेटा, यशोधरा की जीत, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, आंधी की नावें, अंधेरे की भूख, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, बोने और घायल, फूल, लखीमा की आंखें, राई और पर्वत, बंदूक और बीन, राह न रुकी, जब आवेगी काली घटा, धुनी का धुआं, छोटी सी बात, पथ का पाप, मेरी भव बाधा हरो, धरती मेरा घर है, आग की प्यास, कल्पना, प्रोफेसर, दायरे, पथझर, आखिरी आवाज। ये इतने सारे प्रभुत मात्रा में
और महत्वपूर्ण उपन्यास रांगे राघव ने लिखे हैं। हिंदी की इतिहास परंपरा में, हिंदी की औपन्यासिक परंपरा में इन उपन्यासों का महत्वपूर्ण तत्व है, जिन उपन्यासों में सामाजिक चेतना है, जिन उपन्यासों में प्रगतिशील चेतना है, जिन उपन्यासों में आंचलिक चेतना है। आगे देखिए, रांगे राघव के प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम बताइए, तो ये भी आपकी जानकारी में रहे कि रांगे राघव ने कौन कौन से कहानी संग्रह लिखे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखिए, साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अय्यास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, पांच गधे, एक घोड़, एक, ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। अब देखिए, रांगे राघव को हम सामान्यतः किस विचारधारा का लेखक कह सकते हैं? तो वैसे रांगे राघव ने किसी वाद विशेष को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी जो उनकी चेतना थी वो सामाजिक चेतना थी, प्रगतिवादी चेतना थी, साम्यवादी चेतना थी, इसलिए उन्हें हम प्रगतिवादी या साम्यवादी विचारधारा के लेखक कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रांगे राघव को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा, शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, कि जिस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का स्थान है, उसी प्रकार से हिंदी में रांगे राघव का स्थान है। अदम्य जीवन किस विधा की रचना है? तो आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रिपोर्ताज विधा की रचना है। अदम्य जीवन के लेखक का नाम बताइए, तो उत्तर होगा रांगे राघव। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। रांगे राघव द्वारा रचित रिपोर्ताज अदम्य जीवन में शीर्षक का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, ऐसा जीवन जिसे दबाया, कुचला या दमित नहीं किया जा सकता, जो किसी से दब नहीं सकता, कुचला नहीं जा सकता, वो हमेशा अपनी सत्ता को कायम रखने में सक्षम हो सकता है, ऐसा जीवन अदम्य जीवन कहा जाता है। और रांगे राघव ने सिद्धिरगंज के माध्यम से बंगाल के को और बंगाल के माध्यम से भारतीय जनमानस की जिजीविषा का वर्णन किया गया है, जिसे कोई कुचल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। जिजीविषा शब्द का अर्थ बताइए, तो उत्तर होगा, जीवन की लालसा, जीवन की इच्छा या जीवन की अटूट इच्छा। अगला प्रश्न है, रांगे राघव रचित अदम्य जीवन में किसका वर्णन किया गया है? तो उत्तर होगा, 1942-44 में बंगाल में पड़े अकाल तथा उससे उत्पन्न विभीषिका का वर्णन इस रचना में किया गया है, या कि इस रिपोर्टाज में किया गया है। आगे देखिए, रांगे राघव ने अदम्य जीवन रिपोर्टाज में बंगाल के किस अकालग्रस्त गांव का वर्णन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस गांव में लेखक अपने साथी भट्टाचार्य के साथ जाता है, उस गांव का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका उत्तर होगा सिद्धिरगंज। आगे देखिए, लेखक रांगे राघव सिद्धिरगंज गांव में किसके साथ जाता है? तो उत्तर है, अपने मित्र भट्टाचार्य के साथ। अगला प्रश्न है, अदम्य जीवन रिपोर्ताज में रांगे राघव ने कालनेमी किसे कहा था? तो उत्तर होगा, ताड़ के लंबे पेड़ के लिए। जब वो अपने मित्र भट्टाचार्य के साथ गांव में जा रहे थे, तो उन्हें दूर से ही एक ताड़ का वृक्ष दिखाई दिया, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि कालनेमी जैसा दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, लेखक का साथी भट्टाचार्य गांव के पास आते ही ठिठक कर क्यों खड़ा हो गया? तो उत्तर होगा, अकाल और मृत्यु का तांडव सह रहे गांव की भयानक तस्वीर का आभास करके अचानक चलते चलते ठिठक जाता है कि वही मृत्यु का मंजर, महाविनाश का मंजर अब हमारे सामने उपस्थित होने वाला है, इसलिए वो चलते चलते ठिठक सा जाता है। इस गांव की यही तारीफ है,
आदमी मिलने से पहले यहाँ कब्रें शुरू हो जाती है, किस गांव के लिए कहा गया है? उत्तर होगा सिद्धिरगंज गांव। अगला प्रश्न है, जिस ढाके की मलमल एक दिन शहनशाह पहनते थे, आज वहाँ के जुलाहे चूहों की तरह मर रहे हैं, यह कथन किसने तथा किससे कहा? उत्तर होगा भट्टाचार्य ने लेखक से, अर्थात भट्टाचार्य ने रांगे राघव से कहा। जो देखने लायक था वो तो खत्म हो गया, ये बात रिपोर्टाज में किसने किससे कही? तो उत्तर होगा वृद्ध ने लेखक से कहा। रहमत के घर में अकाल से कितने लोग मारे गए? उत्तर होगा 20 आदमी। अगला प्रश्न है, आने दो जो कुछ आएगा उसे झेलेंगे, कथन किसका है तथा किस भावना का परिचायक है? यह रहमत का कथन है और जीवन से लड़ने, समस्याओं से लड़ने और भिड़ने का, उसकी जिजीविषा का, उसकी हिम्मत का, उसके उत्साह का परिचायक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, रहमत ने डॉक्टर को किन बीमारियों के नाम बताए? तो उत्तर होगा वह अपनी जो रटी रटाई भाषा में गांव की जो बीमारियां हैं उनका जिक्र करता है कि मलेरिया, चेचक, चर्म रोग जैसी बीमारियां यहां पर हो रही हैं, क्योंकि इस बारे में वो उनसे जानकारी लेते हैं जिसके फलस्वरूप उन्होंने उन्हें बताया था। आगे देखिए, गांव कमेटी के यूनियन बोर्ड के मेंबर चोर हैं, चोर हम में एका नहीं, वरना क्या मजाल कि वह अपनी मनमानी करे। गांव के दूसरे आदमी से ऐसा सुनकर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? गांव के दूसरे आदमी से ऐसा सुनकर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रक्रिया व्यक्त की है जो कि इस पूरी रचना का एक निचोड़ सा है। वो सोचते हैं तो बंगाल अभी जीवित है, आज भी वह अपना रास्ता खोज निकालना जानता और चाहता है, भूख से व्याकुल होकर भी झुकने को तैयार नहीं है, आज भी वह इन सब आंधी तूफानों को झेलकर फिर से विराट रूप में फूट निकलना चाहता है। यदि जनता में चेतना है तो इन्हें भूखों मारने वाले नर पिशाच नाज चोरों का अंत दूर नहीं। उस आदमी के मन की जो चेतना थी उसमें लेखक ने देखा कि निश्चित रूप से यहाँ का आदमी जागरूक है और संघर्ष करने की क्षमता रखता है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों द्वारा जो कृत्रिम अकाल यहाँ पर पैदा किया जा रहा है वह भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे देखें, ढाके की क्या प्रसिद्ध है? तो इस रचना के अनुसार ढाके की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सिद्धिरगंज के लोगों ने अपने घरों की टीनें क्यों बेच दी थी? तो इसका उत्तर होगा भूख से लड़ने के लिए, अर्थात पेट भरने के लिए अपने घर की छतें तक भी बेच दी थी। अपने घर पर जो टिन पड़े टिन की छतें थी उनको बेच दिया था। आगे देखिए, हर एक चीज़ चोर बाजार में है, हर चीज़ पर मुनाफाखोरी हो रही है, कोई करे तो क्या करे, कथन किसका है? तो उत्तर है दवा खाने की बेंच पर बैठे एक आदमी का, कि सिद्धिरगंज में कालाबाजारी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है, दवाइयां नहीं हैं, अन्य खाद्य सामग्री नहीं है, कपड़े नहीं हैं, उसी के लिए ये बात कही गई थी उस दवा खाने की बेंच पर बैठे वृद्ध आदमी के द्वारा। आगे देखिए, हमने 75% आदमियों की हालत सुधार दी है, किसने कहा? उत्तर है खेराती अस्पताल के असिस्टेंट डॉक्टर ने। अगला प्रश्न है, लंगर में कितनी खिचड़ी पकती थी और या बंटती थी? तो उत्तर होगा 7.5 शेर तथा कुछ मछली। 7.5 शेर तो खिचड़ी पकती थी
और कुछ मछली दी जाती थी जो वहाँ 100 लोगों में बंटती थी। लंगर कौन चलाता था? लंगर कौन चलाता था? उत्तर होगा एम्बुलेंस, फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट के द्वारा वहाँ पर लंगर संचालित हो रहे थे। आगे देखिए, जुलाहों के घर और ज़मीन व्यापार को किसने बर्बाद कर दिया था? जुलाहों के घर और जीवन व्यापार को किसने बर्बाद कर दिया था? तो उत्तर होगा अकाल के ताने और बीमारियों के बाने ने उनके जीवन व्यापार को बर्बाद कर दिया था। अगला प्रश्न है, सिद्धिरगंज कभी नहीं भूलेगा कि एक दिन आदमी के बनाए अकाल ने उसका सत्यानाश कर दिया था। जो आदमी अपनी हड्डियों से, ददीची की हड्डियों से यह अमर कथा लिख गए हैं, बंगाल उनकी ज्वलंत स्मृति को कभी नहीं भुलाएगा, यह कथन किसका है? यह बात भट्टाचार्य का है जो लेखक के सामने प्रस्तुत कर रहा है, रांगे राघव के सामने प्रस्तुत कर रहा है। अगला प्रश्न है, उसे हिंदुस्तान कभी नहीं भुलाएगा भट्टाचार्य जी, मानवता उसे कभी नहीं भुला सकेगी, यह कथन किसका है? यह कथन लेखक का अर्थात स्वयं रांगे राघव का है। अगला प्रश्न है, बाबू बात तो बुरी है, पर सच है, रहमत ने किस बुरी बात की ओर संकेत किया है? तो उत्तर होगा गांव की स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बेचने पर, उतारू होने की बात पर। अगला प्रश्न है, मगर कायदा क्या करे, जब जिंदों के लिए भी कपड़ा नहीं है तो मरों की क्या कीमत है बाबू, कथन किसका है तथा निहित भाव की व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा यह कथन रहमत का है तथा इसमें वहाँ पर व्याप्त कालाबाजारी, मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी पर व्यंग किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, गांव कमेटी के यूनियन बोर्ड के मेंबर सब चोर हैं, चोर, कथन किसने किससे कहा? तो उत्तर होगा गांव के एक आदमी ने भट्टाचार्य से कहा, हम में एका नहीं वरना क्या मजाल कि वह अपनी मनमानी करे। ये बात किसने किससे कही? गांव के एक दूसरे आदमी ने भट्टाचार्य व लेखक से कही है। अगला प्रश्न है, क्या सुनकर लेखक की छाती गर्व से फूल उठी? क्या सुनकर लेखक की छाती गर्व से फूल उठी? तो देखिए, नदी में नहाते लड़कों के मुंह से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद की ध्वनि सुनकर लेखक की छाती गर्व से फूल उठी कि अभी भी इन लोगों में वो क्रांति का बीज निहित है, ये क्रांति की भावना इनमें अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर लेखक अंदर ही अंदर फूला नहीं समाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल जैसी सस्य श्यामला भूमि में भी लोगों को भूख से दम क्यों तोड़ना पड़ रहा था? तो उत्तर होगा मनुष्य के स्वार्थ और असाम्य के कारण, गुलामी और साम्राज्यवादी शासन के कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही थी। आगे देखिए, नदी में नहाता हुआ आदमी क्या गा रहा था? यह इस अदम्य जीवन की एक तरह से अंतिम पंक्ति है जिसमें वो गाता है, सोनार बांग्लो सोनार बांग्ला हो लो शोषण, एक साथे सब चलो, जो एक प्रकार से देश की एकता और अखंडता का संदेश है। आगे देखिए, लेखक ने अकालग्रस्त सिद्धिरगंज में क्या विशेष देखा? तो देखिए, लोगों की जिजीविषा, क्रांति भावना, अदम्यता व लड़ने की इच्छा। दूसरा है साम्राज्यवादी शोषण और मुनाफाखोरी जमाखोरी। तीसरा, भूख गरीबी बीमारी मौत का मंजर व अव्यवस्था। अगला प्रश्न है, लेखक ने दूसरा स्टालिनग्राद किसे कहा है? तो ये स्टालिनग्राद है वो एक प्रकार से लेखक
सिद्धिरगंज को ही कहता है। अगला प्रश्न है, नदी में नहाते लड़के लेखक को भट्टाचार्य को देखकर संवेद स्वर में क्या चिल्ला उठे या उन्होंने क्या बोला, जिसका जिक्र हम पूर्व में भी कर चुके हैं। उत्तर होगा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो हमारी चर्चा ये यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद। अगली चर्चा के अंदर हम जो अगला पाठ है गांधी जी से भेंट, और जिसके लेखक हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो उनकी आत्मकथा का एक अंश है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहें। धन्यवाद।